नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। इस वीडियो में हम आज यानी कि 4 सितंबर को 3 से 5 के शिफ्ट में हुए एमपी पुलिस के एग्जाम्स में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले हैं बट कुछ क्वेश्चंस की डाटा नहीं मिल पाए हैं, लेकिन मैं इस तरह के सभी क्वेश्चंस को बताऊंगी कि किस तरह से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं और उसे सॉल्व कैसे करना है। तो शुरू करने से पहले आप देख लीजिए कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है कि नहीं, और अगर कर लिया तो बगल के बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए ताकि मैं जो भी आपको वीडियो डालूँ उसके आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे एक भी वीडियो मिस ना कर पाए। उसमें आपको जो काम किया उसे आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, तो उसके लिए आप हम बेल आइकन को पक्का क्लिक कीजिए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, तो टाइम एंड वर्क की। तो टाइम एंड वर्क में अगर देखा जाए तो टाइम एंड वर्क से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें कि एक क्वेश्चन हमें मिले तो मैं उसे बता दे रही हूँ। अगर आपके क्वेश्चन है जैसे कि ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 14, 12 तथा 28 दिनों में करते हैं, यदि तीनों साथ काम करें तो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में करते क्या, मैंने आपको टाइम एंड वर्क से अलग से बहुत सारे वीडियोस दिया ताकि आप इसके एक भी क्वेश्चन को मिस ना करो। तो हम इस वीडियोस में करते क्या, इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि आप ये भी नहीं देखो कि आपको करना क्या, बस ये देखो कि किसके बारे में दे रखा है। तो आपको दे किसके बारे में रखा है, तो ए के बारे में, बी के बारे में एंड सी के बारे में। फिर ये देखो कि कितने दिनों का उनका काम बोल रहा है कि वो कितने कितने दिनों में काम करते हैं। तो कह रहा है कि ए 14 दिनों में करता है, बी 12 दिनों में करता है और सी 28 दिनों में करता है। अब इतना पता चल गया, उसके बाद भी आप क्वेश्चन ना देखो, उसके बाद आप सीधे एलसीएम ले लो। तो 14, 12 और 28 का एलसीएम कितना होता है, तो 84। उसके बाद आप इसे एलिगेट करो, एलिगेट में आपको सब्ट्रैक्ट नहीं डिवाइड करने हैं। तो 84 डिवाइडेड बाई 14 हमारा कितना होता है, तो 6। एंड 84 डिवाइडेड बाई 12 7। एंड 84 डिवाइडेड बाई 28 हमारा कितना हो गया, तो 3। अब ये हमारा 84, 6, 7, 3 ये सब क्या आता है, तो 84 को हम मानते हैं कि हमें टोटल वर्क करने थे कितने, तो 84 यूनिट। एंड 6, 7, 3 ये सारे क्या आते हैं, तो ये सारे हमारे इफिशियंसी आते हैं। इफिशियंसी मतलब हमारा होता है क्षमता, यानी कि हमारे ए का क्षमता है कि वो एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, बी का क्षमता है कि वो एक दिन में 7 यूनिट काम करेगा और सी का क्षमता है कि वो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। तो इतना अब हमें पता चल गया। तो हम यहाँ से ये भी तो निकाल सकते हैं कि अगर ए एक दिन में 6 यूनिट करता है, बी 7 यूनिट करता है, सी 3 यूनिट करता है, तो तीनों मिलकर इस काम एक दिन में कितना काम करेंगे, तो तीनों मिलकर आपका एक दिन में करेंगे कितना, तो 6 जोड़ 7 जोड़ 3 यानी कि 7 3 10 6 16 यूनिट वर्क करेंगे। अब आप क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि तीनों साथ काम करें तो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। तो अगर 84 यूनिट वर्क है और एक दिन में 16 यूनिट वर्क होता है तो कितने दिनों में ख़त्म होगा, तो 84 बाई 16। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये हमारा हो गया, इसे हमने 4 से किया तो ये 4, और ये करेंगे तो 21, यानी कि हमारा आ गया 21 बाई 4 डेज, यानी कि हो गया 5 एंड 1 बाई 4 डेज। ये आपका हो गया आंसर। तो आप देख रहे होंगे ये कितना इजी क्वेश्चन है, आप इसे कितना इजीली आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को। अगर आपके डाटा में, बिकॉज हमें किसी स्टूडेंट्स के द्वारा प्राप्त हुए हैं, तो अगर आपके इसके डाटा में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो। आपको तो मेथड से सबसे ज़्यादा मतलब है, तो आप इस मेथड को देख लीजिए, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर रहे हैं मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन में आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें आपको घन से क्वेश्चन थे, समलंब चतुर्भुज से क्वेश्चन थे। तो हमारे पास एक घन का क्वेश्चन आ रहा है, यानी घन का क्वेश्चन, यानी कि उसे हम बोलते हैं क्या, तो क्यूब का क्वेश्चन हमारे पास आया है। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था, आपको देख के रखा था एक घन का विकर्ण, पूछ रहा था उसकी भुजा क्या है। तो हमारे पास, मैंने जैसे कि बोला कि हमारे पास डाटा नहीं आ पाया, तो हम मान लेते हैं, क्यों ना हम मान लें कि घन का विकर्ण कितना था। तो हमने माना कि घन का विकर्ण हमारे पास कितना है, विकर्ण यानी कि डायगोनल, विकर्ण यानी कि डायगोनल। तो हम मान लेते कि हमारे पास इस घन का डायगोनल दे रखा था कितना, तो 12 सेंटीमीटर। तो अगर घन यानी कि क्यूब का डायगोनल 12 सेंटीमीटर होगा, तो हमसे पूछ रहा है उसकी भुजा क्या होगी। तो साइड बराबर, डायगोनल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, √3a। तो साइड बराबर हम क्या कह सकते हैं, डायगोनल बाई √3। हमने आपको इसका फॉर्मूला अगर बता दिया कि √3 होता है, √3a, तो साइड बराबर क्या होगा, तो डायगोनल बाई √3 यानी 12 बाई √3। अब आप इसे सॉल्व कर रहे हो, 4 × √3 × √3 डिवाइडेड बाई √3, तो ये हमारा आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर। अगर आपका इसका आयतन पूछा गया होगा, तो आप इसका आयतन भी आसानी से निकाल सकते हैं। हमारा आयतन कितना होता है, तो
तो घन का हमारा आयतन होता है कितना, तो साइड का हॉल क्यों, यानी 4√3 का हॉल क्यों करके आप इसका घन भी निकाल सकते थे। नेक्स्ट इसी तरह से हम मेंसुरेशन के और क्वेश्चंस की बात करें तो और क्वेश्चन आपका एक वर्ग से रिलेटेड पूछा गया था। कह रहा था कि एक वर्ग है जिसके ऊपर और नीचे दो अर्धवृत्त हैं, जिसकी की त्रिज्या दी गई थी आपको अभी, और उसका पूरा क्षेत्रफल पूछ रहा था। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक वर्ग ड्रॉ कर देती हूँ। इस तरीके से हमारा ये आपको वर्ग दिख रहा होगा। बोल रखा है कि इसके ऊपर दो अर्धवृत्त हैं, ऊपर और नीचे दो अर्धवृत्त हैं, यानी हम कह सकते हैं इसके आधार पर दो अर्धवृत्त है, इस तरीके से एक अर्धवृत्त एंड इस तरीके से हमारा दूसरा अर्धवृत्त। अब इसमें हमारा ये भी नहीं कन्फर्म है कि आपको अर्धवृत्त का ही त्रिज्या दिया गया, हो सकता है कि आपका वर्ग की भुजा दी गया हो सकता है कि आपका अर्धवृत्त का वो दे दिया हो व्यास, तो हमें ये कन्फर्म नहीं है। बट हम मानते हैं कि हमारा अर्धवृत्त का जो है, अर्धवृत्त यानी कि हम कह सकते हैं सेमी सर्कल का आपका अर्धवृत्त का रेडियस दिया हुआ है कितना, तो रेडियस आपका दे दिया है 7 सेंटीमीटर हमने माना है। अगर हमारा स्क्वायर है ए बी सी डी और यहाँ से हमारा रेडियस जाएगा, अब आपको दिख रहा होगा कि एक स्क्वायर के अगर ऊपर हमारा अर्धवृत्त बनाया गया है तो हमारा स्क्वायर का साइड क्या हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है कि अगर वर्ग के नीचे दो ऊपर और नीचे दो अर्धवृत्त है तो इसका एरिया हमारा कितना हो जाएगा, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एरिया हमारा कितना हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे सारे को एरिया को। तो सबसे पहले हम स्क्वायर का एरिया को ले लेते हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, माना कि हमारा साइड ए है तो ए का स्क्वायर प्लस आपके दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर बाई टू, और आपके दो अर्धवृत्त है तो इंटू टू, इस तरीके से हमारा क्षेत्रफल आएगा। अब हमें अगर अर्धवृत्त का त्रिज्या भी दिया गया है 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा दे दिया है 7 सेंटीमीटर, आपको दिख रहा होगा कि जितना अर्धवृत्त का हमारा व्यास होगा उतना ही हमारा क्या होगा, तो इस स्क्वायर का साइड होगा, यानी कि ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो अर्धवृत्त का डायमीटर, ए बराबर हमारा होगा डायमीटर, एंड डायमीटर बराबर कितना होगा 2 इंटू रेडियस, बिकॉज डायमीटर हमारा रेडियस क्या होता है, तो सॉरी यहाँ पे अगर हमारा रेडियस, यहाँ पे आपको लिखने में प्रॉब्लम हो गई, हमारा रेडियस दे रखा था ताकि आपका कैलकुलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हमने माना कि हमारा रेडियस कितना दे रखा था, तो रेडियस नहीं सॉरी मैंने सही माना था, बिकॉज आप कुछ भी मान सकते हो, बट यहाँ पे हमने माना कि हमारा रेडियस 7 सेंटीमीटर, ताकि आपको कैलकुलेशन भी लंबा ना जाए, बिकॉज आपको तो मेथड से मतलब है। तो अगर हमारा रेडियस 7 सेंटीमीटर तो उसका डायगोनल क्या हो जाएगा, तो 7 इंटू 2, तो ये हमारा डायगोनल आ गया 14 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर का साइड भी कितना हो गया, तो 14 सेंटीमीटर। अब आप इसे आसानी से पुट कर सकते हो, एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू हो गया 22/7 इंटू आर हो गया 7, तो 7 इंटू 7। अब 14 का स्क्वायर 196 प्लस 154, तो इस तरह से 6 4 10 9 5 14 1 15 350 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया होगा, अगर आपका अर्धवृत्त का रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ होता तब। अगर आपको यहाँ पे दिया रहता कि हमारा वर्ग का भुजा है हमारा 14 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ से इसका डायमीटर भी हमारा 14 हो जाता, आप वहाँ से रेडियस निकाल के इसका एरिया निकाल सकते थे। तो ये हमें एक्यूरेट नहीं है कि इसका दे क्या रखा था, बट आप ये सब थिंक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था, आपके एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें एक क्वेश्चन हमारा मिला है कि 3 संख्याओं का औसत कुछ दिया था, बोल रहे हैं यदि उसमें 4 4 जोड़ देंगे तो उसका नया औसत क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि 3 संख्याओं का जो हमारा एवरेज है कितना दे रखा है, तो 20। तो अगर उसके हर संख्या में 4 4 जोड़ देंगे तब उसका न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, तो न्यू एवरेज में भी हमारा 4 ऐड ही हो जाता है। अगर सारे संख्याओं में हमारा 4 ऐड होगा तो न्यू एवरेज में भी हमारा 4 ही ऐड होता, तो इस तरीके से हमारा 24 आ जाता। ये कैसे हुआ मैं आपको बता रही हूँ। माना कि हमारे 3 संख्या रहती है 2 3 एंड 4, तो इसका आप एवरेज देख लो, तो एवरेज कितना होता है 4 3 7 2 9 9/3, यानी कि 3 हो जाता। अब बोल रहे सभी में हम 4 4 जोड़ देते, तो 2 जोड़ 4 हमारा हो गया 6, 3 जोड़ 4 हो गया 7, एंड 7 जोड़ 4 4 जो 4 हमारा है क्या नेक्स्ट, तो 4 प्लस 4, तो 4 प्लस 4 हमारा कितना हो गया, तो 8। अब आप इन सारे का एवरेज देखो, तो एवरेज कितना हो गया, तो 8 7 15 15 6 21 21/3, यानी कि 7। तो आप देख रहे होंगे एवरेज में भी हमारा 4 ऐड हो रहा है। आपको जितना ऐड इन सारे नंबर्स में होंगे उतना ही उसके एवरेज में ऐड होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट इसी तरीके से आपका प्रॉफिट एंड लॉस से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें एक क्वेश्चन क्या था उसका हमारा क्वेश्चन एक्यूरेट नहीं मिल पाया है, तो मैं आपको इसी तरीके के क्वेश्चन लेके आपको बता रही हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन अगर आएंगे तब हमें क्या करना है।
अगर आपका क्वेश्चन दे रखा है कि एक दुकानदार कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, यदि कैमरे का क्रयमूल 600 रुपये है तो 20% लाभ कमाने के लिए कैमरे का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए? तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कैमरे का अंकित मूल्य कितना है, 100। अगर उस पर हमारा 10% डिस्काउंट देता तब हम उसमें बेचते कितने में, तो 90 में। ये आपका MRP दिया हुआ है 100 और उसे बेचा हमने 90 में। अब कह रहा है, अब ये तो आपका फर्स्ट था। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि अगर कैमरे का क्रयमूल 600 रुपये तो 20% लाभ कमाने के लिए कैमरे का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए? तो हम देखते हैं कि अगर कैमरे का क्रयमूल 600 रुपये, इस पर हम 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, यानी कि हम इसे बेचेंगे कितने में, तो 720 रुपये में। इतना तक तो अब हमें पता चल गया कि हम 720 रुपये में बेचेंगे। तो हमसे पूछ रहे कैमरे का क्रयमूल क्या होना चाहिए, तो अगर 10% डिस्काउंट देते तो 90 रुपये में हमें इसे बेचना, और 20% प्रॉफिट क्रयमूल पे लेते हैं तो 720 में। तो ये दोनों तो आपको बराबर ही है, बिकॉज दोनों तो विक्रयमूल ही दिया गया है, यानी 90 यूनिट हमारे बराबर है किसके, तो 720 रुपये के। तो हमसे पूछ रहे अंकित मूल्य क्या होना चाहिए, तो 100 यूनिट किसके बराबर होंगे, यहाँ से आप निकाल सकते हैं 100 यूनिट इक्वल टू RS 720 × 100 / 90। 0 से 0 कैंसिल, 9 से हमारा हो गया 8, तो हमारा आ गया कितना, तो 800 रुपये में हम इसे अंकित मूल्य रखेंगे। तो आप देखो, अगर 800 रुपये में रखेंगे तो 10% छूट देंगे, और कैमरे का क्रयमूल 600 है तो 20% का प्रॉफिट भी कमा लेंगे। नेक्स्ट, इसी तरीके से अब हमारे पास और भी क्वेश्चंस नहीं आ पाए हैं। तो हमने आपको बता दिया किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ज्योमेट्री से आपके 1 से 2 पूछे गए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 से 2, सिंप्लीफिकेशन से 1 से 2, परसेंटेज से 1 से 2, एज से 2 से 3 पूछे गए थे, प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपके सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए थे 3 से 4। हमने आपको सीरीज के तो बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उसमें इसे बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आप वो वीडियोस देख लेंगे तो आपको सीरीज के कभी भी कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं वाले हैं। नेक्स्ट बात करें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की, तो उससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। कोडिंग डिकोडिंग से 3 to 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिगर रिलेटेड 2 to 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ये आप हमें लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।